अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डैट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो yeah. है सॉफ्टवेयर प्राइसिंग एंड प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ये कंप्लीट कर लें अगर ये ना हुआ तो हम सॉफ्टवेयर प्राइसिंग तक ही रखेंगे ये लेक्चर ताकि ज़्यादा वीडियो लेंथ ही ना हो जाए ठीक है तो जो हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग है बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग होती क्या है नेम से क्या पता चल रहा है कि हम जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं वो प्लानिंग्स हम करते हैं देन हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं ठीक है तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम उन सब के बारे में देखेंगे हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि बजट्स वगैरह डील करेंगे हम देखेंगे कि एक जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है और किस तरह से आ, डिफरेंट पर्सनस को या जो हमारी डिफरेंट टीम मेम्बर्स हैं उनको एलोकेट करना है ताकि वो उसको अच्छे से समझ सकें और प्रॉब्लम जो है उसको आउट कर सकें तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम क्या करते हैं हम जो वर्क है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ठीक है किसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर और फिर ये वाले जो पार्ट्स हैं जिसमें हमने डिवाइड किया है उसको हम टीम मेंबर्स को देते हैं अब हम डिवाइड किस तरह से करते हैं वर्क को लाइक like, हम डिफरेंट फेजिज होती है हमारे मॉडल्स के अंदर हम उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं लाइक like, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा उसकी रिक्वायरमेंट्स uh, गैदरिंग किस तरह से होगी और डिवेलपमेंट टीम इस तरह से हम डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग डिवीजन वगैरह कर रहे होते हैं कुछ में हम डिवीजन अकॉर्डिंग टू डिवीजन के अंदर हम ग्रुपिंग uh, कर देते हैं कि एक ग्रुप के अंदर मिनिमम या मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए इस, आ, अगर वो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे अगर वो डिवेलपमेंट कर रहे हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स को देख कर काम करेंगे इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं ये सब हम uh, क्या करते हैं हम प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं हम बेसिकली uh, क्या करते हैं हम प्लानिंग किस चीज़ के लिए करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है हम uh, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रिस्क एनालिसिस हम इसके अंदर कर लेते होते हैं ये सब चीज़ें जो हैं हम देखते हैं कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको किस तरह से सोल्यूशन निकालेंगे और प्रॉब्लम uh, किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे प्रोजेक्ट प्लान इज़ क्रिएटेड एट द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट ठीक है जो हमारा मेन गोल है कि हम प्लानिंग कब करते हैं हम क्या काम करने के बाद प्लानिंग करते हैं नहीं हम कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं लाइक like, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जब एग्जाम्स होते हैं तो उससे पहले uh, स्टूडेंट्स क्या करते हैं स्केजुअल बना लेते हैं कि हमने प्रॉपर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि लास्ट टू वीक्स के अंदर हमने पहले ये सब्जेक्ट को डील आउट करना है फिर हमने ये सब्जेक्ट डील करना है ये सब्जेक्ट डील करना सेम गोस ही है हम सॉफ्टवेयर की जब प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम पहले देखते हैं कि हमने पहले क्या काम करना है देन हम नेक्स्ट फेज में क्या काम करेंगे हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे होते हैं इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट हाउ वर्क विल बी डम डन टू द प्रोजेक्ट टीम एंड कस्टमर्स एंड टू हेल्प असेस प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट सेम हम क्या करते हैं हम अकॉर्डिंगली uh, देख रहे होते हैं कि हमारी प्रोग्रेस कितनी होती है हम पहले प्लान बनाते हैं और फिर प्लान को एज अ मैरिंग प्रोग्रेस मयरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हम कर चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं इसके बाद हमारे पास आता है प्लानिंग स्टेजेस अब प्लानिंग uh, किस तरह से की जाती है उसके अंदर कुछ स्टेजेस आते हैं कि हम प्लानिंग कब कब करते हैं सबसे पहली जो है वो प्रोपोजल स्टेज यानी कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट uh, साइन करते हैं तब हम प्लानिंग करते हैं उसमें हम क्या करते हैं हम बेसिकली यही होता है ना हम कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से विन करेंगे हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहे होते हैं कितना बजट हम उसको बताएँगे क्या कॉस्ट हम उसको देंगे टाइम uh, पीरियड क्या होगा इस आके हम हम कॉन्ट्रैक्ट विन कर सकें और जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता हम तब तक कोई भी डेवलपमेंट कुछ भी इस तरह का नहीं करते जस्ट हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तब तक फिर हम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट स्टार्टअप फेज अब हमें जब कॉन्ट्रैक्ट हमने विन कर लिया है तो जब प्रोजेक्ट मिल गया है फिर हम प्लानिंग करते हैं कि अब कौन प्रोजेक्ट पर काम करेगा किस तरह से काम करेगा कितने इंक्रीमेंट्स में काम होगा प्रॉपर प्लानिंग फिर वहाँ पर चलती है ठीक है proposal स्टेज में हम बेसिकली uh, बस देख रहे होते हैं कि कितना एस्टिमेशन वगैरह हम लगा रहे होते हैं कि कॉस्ट कितनी आएगी कितना टाइम लगेगा न कितने लाइन ऑफ कोड लिखे जाएंगे और इस तरह की चीज़ें मैं की जाती हैं जबकि प्रोजेक्ट स्टार्टअप फ़ेज़ में देखा जाता है कि कौन क्या काम करेगा किस तरह से काम करेगा कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो एलोकेट किए जाएँगे कंपनी की तरफ से कौन कौन से सोर्सेज uh, जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे ये सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं पेरियोडिकली थ्रो आउट द प्रोजेक्ट अब हमारे पास ज़ाहिर सी बात है हम जब स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद भी हमें प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है लाइक like, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तब किस तरह से उसको हैंडल करना है टाइम टेबल की अपने ले लेते हैं कि हमारा जैसे कि टू वीक्स बाद एग्जाम है ठीक है तो हम क्या करते हैं हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं पहले हम स्टार्टिंग uh, से स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर हम देखते हैं कि नहीं हमने पढ़ना है हमने टाइम से पढ़ना है हमने प्रॉपर प्लानिंग uh, कर रहे होते हैं कि हम रोज़ाना का काम रोज़ाना करेंगे इस तरह की चीज़ें करते हैं फिर जब प्रोजेक्ट फेज अब स्टार्ट होता है हम uh, यानी कि जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं हम साथ साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं नहीं पढ़ा जाता तो हम डिफरेंट प्लानिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं कि आज इतना कर लेंगे वीकेंड्स में हम इतना करेंगे इस तरह से करेंगे और ये हमारे पास जो प्लानिंग है ये थ्रो आउट द प्रोजेक्ट चढ़ी होती है मतलब जब तक हम एग्ज़ाम्स नहीं दे देते तब तक हम प्लानिंग करते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों की कि हम इस वीकेंड में क्या करेंगे फिर जब हमारे एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो फिर हम स्केजुअल अपना थोड़ा सा टाइट कर देते हैं कि हमने इस दिन में ये सब्जेक्ट कम्प्लीट करना है इस तरह की हम प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास बेसिकली प्लानिंग क्या हो रही होती है थोड़ा आउट द प्रोजेक्ट चढ़ी होती है वैन यू मोडिफाई योर प्लान इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस गेंड एंड इन्फॉर्मेशन प्रमोनीटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ दर्ल्ड के हमारे पास लाइक like, स्टार्टिंग uh, में हमने काम करना स्टार्ट किया हमने एक प्लान पर काम करना स्टार्ट किया वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहा हमने एक्सपीरियंस गेन किया कि उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं देन हमने अपने प्लान को थोड़ा सा मोडिफाई किया फिर हमने उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया तो ये कह रहे हैं कि मोडिफाई होता रहता है जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता हम बेस्ट से बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रपोजल प्लानिंग जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसमें हम आउटलाइन करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर रहे होते हैं ठीक है इसमें हम प्राइस सेट करते हैं और सिस्टम ताकि हम बता सकें कस्टमर को कि कितनी प्राइस जो है वो एस्टिमेटेड है कि अगर वो ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कितना कॉस्ट जो है वो लग सकती है ताकि सब मेंटली प्रिपेयर रहें ठीक है और उसके अकॉर्डिंग अगर कॉस्ट कम करनी है तो वो भी चेकआउट कर सकें टेकिंग फैक्टर सच है सॉफ्टवेयर कॉस्ट कितनी आ सकती है अब कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सॉफ्टवेयर कॉस्ट हार्डवेयर कॉस्ट स्टाफ कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर उसके बाद हमारे पास है प्लानिंग स्टार्टअप प्लानिंग के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें uh, हमारे पास रिसोसेज कौन कौन से एलोकेट किए जाएंगे डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग शुड बी रेगुलरली एमेंडेड एज दी प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिज एंड यू नो मोरबर The software and its development. प्रोजेक्ट प्लानिंग को हमें रोज़ाना देखने की ज़रूरत पड़ती है उसको रोजाना उसमें प्रोग्रेसिज देखनी पड़ती हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो हमारी प्रोग्रेस है वो किस तरह से मयर होती है वो हम प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग मैयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा होता है कि आपको कितनी सॉफ्टवेयर में प्रोग्रेस की ज़रूरत है कितनी डिवलपमेंट हो चुकी हुई है और कितना अभी रहता है प्रोजेक्ट स्कैजल कॉस्ट एस्टिमेट एंड रिस्क हैज़ टू बी रेगुलरली रिवाइज ठीक है तो इसमें इन चीज़ों को हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या हमारा स्कैचल है कितने एस्टीमेट है क्या क्या रिस्क है इनको हमें रेगुलर बेसिस में करना पड़ता है रिस्क एनालिसिस के लिए कि ये ना हो हम आउट ऑफ बजट चले जाएँ या हम आउट ऑफ टाइम लिमिट चले जाएँ तो इस वजह से इन सब चीज़ों को रेगुलरली रिविजिट करना पड़ता है रिवाइज करना पड़ता है तो यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं डेवलपमेंट प्लानिंग तक हमने पढ़ लिया है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्राइसिंग क्या होती है और फिर सीरीज़ कंटिन्यू रखते रहेंगे तो तब तक के लिए अला हाफिज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर